चले, आशा करता हूँ कि एकदम बढ़िया ही होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं M7 रॉयल पास के वीक 2 का मिशन यूज जिप लाइन 3 times इन क्लासिक मोड। तो आज हम आपको यूज करके दिखाएंगे कि कैसे हमें जिप लाइन यूज करते हैं। बहुत सारे बंदों को कन्फ्यूजन होता है कि आखिर में ये जिप लाइन है कहाँ पे। तो ये है क्लासिक अनरैंक क्लासिक में आफ्टर मैथ मोड के अंदर, जहाँ जाकर आप इस मिशन को ईजी वे में कम्प्लीट कर सकते हैं। ये जो मैप के अंदर आपको एक स्ट्रीट लाइन दिख रही है बहुत सारी, ये कोई लाइनें नहीं है, यही है आपका जिप लाइन। तो इनमें से किसी एक जिप लाइन के पास आप उतर सकते हैं और वहां पर आप जाकर ये मिशन कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था। तो चलिए लैंड करते हैं और कंप्लीट करते हैं अपना मिशन। पहुंच गए हैं अपने जीप लाइन के पास में। इसके सेंटर में अगर आप जाएंगे तो आपको एक बटन मिलेगा जीप लाइन का, जिसका यूज़ करके आप इस जीप लाइन का यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह टेलीपोर्ट होने के ट्रांसपोर्ट होने के लिए करते हैं। जैसे कि इस जीप लाइन पर आप चढ़ते हैं तो आप सीधे दूसरे वाले जीप लाइन के छोर पर जाकर उतरेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका यूज हम किस तरह से कर सकते हैं अपने गेम में। इसका बेसिकली एक ही यूज़ है, आप एक जगह से दूसरी जगह फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं। यह आपके मैप के सेंटर में नहीं मिलेगा। जीप लाइन के साइड में दिए गए इस बटन का यूज़ करके आप जीप लाइन से कहीं भी बीच में भी उतर सकते हैं। ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा अगर आप आफ्टर मैथ मोड खेलते हैं और आपको सेफ जोन में जाना है, तो आप इससे फास्ट ट्रेवलिंग करके आप सेफ जोन जा सकते हैं। और इस तरह आपको 3 ही ट्रेवल करना है, आपका मिशन कम्प्लीट हो जाएगा एक ही मैच में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तो बाय।